हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपका जो SSC CGL का जो एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी कमेंट में कि इसके आंसर की हमें कब तक देखने को मिल जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक अपडेट लेकर आऊँ ना, तो वीडियो को देख लेना, छोटा सा एक वीडियो, ठीक है। और किस दिन आएगी यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा बता दूँ कि अगर आपने मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया, डिटेल में बताया कि लास्ट 6 ईयर का डाटा कंपैरिजन करके कि किस किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, चैनल पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो SSC CGL 2024 है, ठीक है, CGL 24, इसकी आपको आंसर की कब तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा CHSL, जो आपका CHSL का एग्जाम हुआ था 2024 में, ठीक है, 24 में जो एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस था जिसमें लिखा गया था कि आपका जो एग्जाम हुआ था 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1 से लेकर 11 जुलाई। और जो आपकी आंसर की आई थी, आप डेट देख सकते हैं 18 जुलाई, ठीक है। कब देखने को मिली थी, यहाँ पर देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट टू दी टेंटेटिव आंसर कीज इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 18/7 से लेकर 23/7 के बीच में, ठीक है। तो 18 तारीख को आपकी आंसर की आ चुकी थी, यानी कि 11 तारीख के बाद अगर देखेंगे, 11 के बाद 18, यानी कि कितना, +7 डेज, यानी कि विद इन अ 1 वीक आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आपकी आंसर की आने वाली है 2024 के CHSL एग्जाम की, तो ये कब देखने को मिलेगी, तो आपका एग्जाम लास्ट हुआ है 26 सितंबर को। तो देखिए, ये कभी कभी एक हफ्ते से पहले भी आ जाती है, तो एक हफ्ते से पहले जब आएगी तो ये आ सकती है, या तो ट्यूसडे को आएगी, ठीक है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या है आपका 1 अक्टूबर है, या तो इस दिन आएगी, 2 अक्टूबर की है ऑफ, ठीक है, 2 अक्टूबर का क्या ऑफ, तो इस दिन तो आने को नहीं है, या फिर 3 अक्टूबर को आएगी, ठीक है, 3 अक्टूबर को क्या है आपका थर्सडे, ठीक है, या तो थर्सडे को देखने को मिलेगी या ट्यूसडे को ही आ जाएगी, ठीक है, 2 अक्टूबर को यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और 3 अक्टूबर को डेफिनेटली आपको यहाँ पर आंसर की आपकी देखने को, यहाँ पर चांसेस कम है, बट यहाँ फुल चांसेस है कि आपको 3 अक्टूबर को आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, बाकी ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, ये कट ऑफ वाला, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके मार्क्स कितने थे, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।